नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश और दुनिया में दहशत का माहौल है। वहीं इनको लेकर केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें जरूरी प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो करवाने के ऑर्डर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, जैसे अफ्रीका से आने वाले कोविड-19 मरीजों को एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी से आइसोलेट किया जाएगा और साथ ही साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज और कंटेनमेंट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को सतर्कता से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ समेत सभी जिलों में विदेश से आने वालों की बारीकी से जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मथुरा में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से भी हड़कंप मच गया है। जनपद में अभी तक महिला समेत 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही वृंदावन में लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बता दें कि वृंदावन में 7 विदेशी महिलाएं 1 पुरुष कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, साथ ही आश्रम को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो 11 नवंबर वो तारीख है जब अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रॉन नाम के इस वेरिएंट का पता लगा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट सिर्फ 15 बार म्यूटेंट हुआ था और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 50 से ज्यादा बार अपडेट हो चुका है, यानी कि म्यूटेंट हो चुका है, अपने रूप बदल चुका है। कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर वैक्सीन कारगर साबित होगी? क्या जो डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिला था, क्या उसी तरह का कहर एक बार फिर देश और दुनिया देखने वाले हैं? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं, जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिकित्सक डॉक्टर राजेश प्रजापति। तो उनसे जानेंगे कि आखिर ये वेरिएंट है क्या और किस तरह से काम करता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये डेल्टा से कितना अलग है? जी शिखा जी, जिस प्रकार से आपने देखा है कि हमारे देश में डेल्टा वायरस ने दूसरी लहर में भारी तबाही मचाई थी जी, और उसके बाद से लगातार इस वायरस को दुनिया के अन्य देशों में भी, भारत में भी मॉनिटर किया जा रहा है जी। खास बात यह है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट हो सकता है, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि तीसरी लहर आ सकती है। जिस प्रकार से हम पिछले कुछ दिनों से आने वाले रिपोर्ट्स पर अगर गौर करें तो साउथ अफ्रीका में एक नया वेरियंट मिला जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी जी, और जिसमें कुछ अनयूजल हो गए थे, मतलब असाधारण लक्षण जो पहले के कोरोना वायरस में नहीं मिल रहे थे। शुरुआत में इसको B11529 एक नए स्ट्रेन का नाम दिया गया था जी। फिर WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया और उसके बाद इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ा। फिलहाल ये यूरोप के लगभग 12 देशों में, साउथ अफ्रीका में जी, जापान में, कई जगहों पे ये रिपोर्ट हो चुका है जी। राजेश जी, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है कोरोना वायरस के जी? शिखा जी, जो नॉर्मली जो कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं वही लक्षण इसमें भी है, जिसमें लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में कमी, बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी और बुखार। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस वायरस की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है या नहीं। जी। जब भी हम किसी नए स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो उसको 3 पैरामीटर्स पे असेस करते हैं। पहला, ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की क्षमता। दूसरा, हम असेस करते हैं सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो कितने सीवियर हो रहे हैं, उससे मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर में कितना प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा, हम देखते हैं कि जो प्रीवियसली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू एक्वायर हुई हो या फिर जो इन्फेक्ट होते हैं उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलती है आपको, वो तो प्रीवियसली एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे इस नए स्ट्रेन का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये भी एक अभी शोध का विषय है, इस पे शोध जारी है जी।
राजेश जी, जिस तरह से सरकार अलर्ट हो गई है और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के आदेश भी दे दिए, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगना कितना जरूरी है, क्योंकि हम दो लहर देख चुके हैं और दोनों बार यही गलती हुई है कि हमने देरी करी और अभी भी जो इंटरनेशनल फॉरनर्स आ रहे हैं भारत में और वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो कितना जरूरी है रोक लगाना। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। समस्या यही होती है कि जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का समय है और एयर ट्रेवल इतना फ्रीक्वेंट हो रहा है कि पूरा का पूरा विश्व एक गांव के रूप में कन्वर्ट हो गया है। सुबह आदमी किसी देश में रहता है, शाम को किसी देश में। तो इस प्रकार से इस वायरस पे रोक लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। खास बात यह है कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति है जो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होता है अपॉन अराइवल या उसमें सिम्टम्स होते हैं, तो उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति को उतने दिन के लिए डिटेन करके रखा जाए। जी, यही वही वजह है जो ये वायरस बहुत तेजी से यूरोप में फैला है और साउथ अफ्रीका से ये इसराइल में भी जा चुका है और दुनिया के कई देशों में आ रहा है। और ये कि एक खतरे की घंटी है जो तीसरी लहर को, भारत में तीसरी लहर और बाकी जगहों पे चौथी लहर आने की प्रबल संभावना बन रही है। जी राजेश जी, कितनी संभावना है कि भारत में भी ये वेरिएंट आ चुका है, क्योंकि वृंदावन में 7 विदेशी महिलाएं 1 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि कोरोना वेरिएंट जो नया वेरिएंट है वो भारत में आ चुका है? शिखा जी, हमें आप इसको अज्यूम कर लेना चाहिए कि हमारे देश में ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है ऑलरेडी आ चुका है। ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है, समय का विषय है कि कब हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ वाकई इसके केसेस जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू कंफर्म केसेस हमारे सामने आते हैं। जिस प्रकार से हमें अभी न्यूज मिल रही है कि मुंबई में भी एक यात्री था जो साउथ अफ्रीका से पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली से मुंबई गया जी। उसके आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने में टाइम लगा था, लेकिन बाय द टाइम आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई वो 2 बार एयर ट्रेवल कर चुका था। तो कहने का मतलब जो एक्सपोजर है वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ेंगे भारत में और ये तीसरी लहर की शुरुआत होगी। जी, तो किन सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, और जो आम जनता है उनको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? शिखा जी, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, साथ में वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो विश्व की अन्य सरकारों से हमारी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं, लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और लोग बड़े पैमाने पे वैक्सीन ले भी रहे हैं। और साथ में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, सारे डॉक्टर्स, हम लोग दिन रात इसी काम में जुटे हुए हैं कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि हमारे अंदर एक क्रेडिबल इम्यूनिटी आ पाए और हम लोग जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं इनसे बच सके। जी, समस्या ये है शिखा जी कि वैक्सीनेशन एक दूसरा एस्पेक्ट है और हेल्थ प्रिपेयरनेस एक दूसरा एस्पेक्ट है। जिस प्रकार से हमने देखा अप्रैल में दूसरी लहर के दौरान लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते नजर आए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्राइसिस रही, डॉक्टर्स कुछ ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि बेड्स की क्राइसिस थी। तो उससे सबक लिया जाना चाहिए था और सरकार को चाहिए था हेल्थ सेक्टर पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे आज, तब जाके वो 2 से 3 महीने में रेडी होगा। हमारा अगर टोटल जीडीपी देखें तो हम अपने टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.5% हिस्सा हेल्थ पे खर्च करते हैं और बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम यूएस, यूके, कनाडा, इंग्लैंड से अगर हम कंपेयर करें, तो वहां पे जो जीडीपी का परसेंटेज है जो हेल्थ में खर्च होता है वो कई गुना ज्यादा है, लगभग 12 से 15% के बीच में होता है। तो आप 1.5% हेल्थ सेक्टर पे खर्च करके और आप सोचें कि डॉक्टर भगवान बन जाए, सुपर ह्यूमन बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ प्रिपेयर्डनेस का इशू है इसको थोड़ा और अच्छे से मॉनिटर किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर समय में न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं या जो नीति निर्धारक व्यक्तित्व हैं उसमें डॉक्टर्स की का रोल और बढ़ाया जाना चाहिए। आप देखिए 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, इनको कोई एक काबिल डॉक्टर नहीं मिला कि उसको हेल्थ मिनिस्टर बना सकते। जी,
राजेश जी, सेंटर एक में बड़ा नहीं, सवाल मतलब ये भी है जो जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी हमें नहीं पता है कि वैक्सीन इस नए वेरिएंट पे काम करेगी या नहीं, और दूसरी तरफ देश में चुनाव की तैयारी चल रही है, तो क्या हम मान सकते हैं कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्योंकि ऐसा कुछ काम देखने को नहीं मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हों। शिखा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं पहले आपको वैक्सीन और उसके द्वारा मिलने वाली इम्यूनिटी के बारे में बता दूं। हमारे देश में दो प्रकार की प्रचलित वैक्सीन है जो इस्तेमाल में आ रही है। पहली कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है, और कोवैक्सीन कंप्लीट वायरस है, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है। दूसरी जो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डेवलप्ड है, जो एस्ट्राजेनेका का वर्जन है। ये बेसिकली इन्होंने जो चिंपैंजी एडिनो वायरस होता है उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन कंपोनेंट लेके तब बनाया है। समस्या क्या होती है शिखा जी, कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी किसी एक कंपोनेंट के खिलाफ है, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन कंपोनेंट के खिलाफ है, तो अगर कभी भी वायरस ने इसमें ड्रास्टिक म्यूटेशन किया या बहुत ज्यादा म्यूटेशन किया, तो जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, लगभग खत्म हो जाएगी। जी। तो यही एक चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें स्पाइक प्रोटीन कंपोनेंट में ही 50 से अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं। फिलहाल अभी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो ध्यान दे रही हैं इस बात पे कि वैक्सीन कितनी प्रभावी हैं कितनी नहीं। हालांकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि हम इसराइल में देख रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी 2 डोज या 3 डोज ले चुके थे, तो मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है कि वैक्सीन की भी किसी कितनी है इस नए वेरिएंट पे। और जहां तक आपने बात की चुनाव की, तो शिखा जी, दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में चुनाव आज भी जाति और धर्म के नाम पे होते हैं। हम कभी भी हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिक्षा पे, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब कभी इस प्रकार की भयानक त्रासदी आती है तो हमें याद आता है डॉक्टर और डॉक्टर की कमियां, जबकि हम ये भी नहीं सोचते कि हमने डॉक्टर के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्या डॉक्टर को उस प्रकार का हमने सोशल रिकॉग्निशन दिया, क्या उस प्रकार से डॉक्टर्स के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा की, और जब आवश्यकता पड़ती है और उस प्रकार से हमारा हेल्थ सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम सब मिलके खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर को चोर और डॉक्टर को गैर जिम्मेदार और सारी के सारा जो ठीक रहा होता है वो डॉक्टर्स के मथे पे फोड़ा जाता है, जबकि इसमें सबसे बड़ी सरकार कह रही है कि अब होती निर्देश है। दे दिया गया कि सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन करवाया जाए, तो क्या जनता को खुद से जिम्मेदार होने की जो वक्त है वो आ गया? क्योंकि देखा जा रहा है जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे थे, सभी ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कम कर दिया था, तो क्या एक बार फिर से जनता को खुद से जागरूक होने की जरूरत है? जी शिखा जी, बिल्कुल, जनता को स्वयं अपनी सुरक्षा के बारे में तत्पर होना पड़ेगा, मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, और जो अनअवॉइडेड गैदरिंग्स हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे कि अभी आपने सही बोला कि चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, जगह जगह रैलियां हो रही, तो ये भी मुझे लगता है कि जो रिसेंट कोरोना गाइडलाइंस है इनका वायलेशन है। ना सिर्फ प्रदेश की सरकार को बल्कि देश की सरकार को भी इस पे ध्यान रखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हर 5 साल पे होते हैं, तो मुझे लगता है अगर आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव उसको भी टाला जा सकता है 6 महीने के लिए। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनको अभी एक्सटेंशन दिया जा सकता है इस त्रासदी को या आने वाले इस गंभीर समय को देखते हुए, क्योंकि जो बुरा वक्त हम लोग अप्रैल में देख चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतवासी उस प्रकार से बुरा वक्त दोबारा देखना चाहेगा अपनी जिंदगी में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़े थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और ये भी बताया कि हमें किस तरह से इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं। सिर्फ हमें कोरोना के जो नियम है उसी को पालन करना है, यानी कि बचाव, बचाव ही एकमात्र तरीका है कोरोना के पालन, कोरोना से बचने के लिए। वो चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अगर आप बचाव करते हैं कोरोना से बच सकते हैं। ये म्यूटेंट है, म्यूटेशन हुआ है कोविड के वेरिएंट में, और इस म्यूटेशन की वजह से ये ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो इसके इस खतरनाक रूप से बचने के लिए हमें सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है, और साथ ही आपको बता दें कि जो कोरोना के नियम है उसका पालन करना है, बेवजह भीड़भाड़ से दूर रहना है, और साथ ही सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुंदेलखंड के महोबा के जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, उसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंच रहे हैं, जहां उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। अखिलेश यादव अपने 3 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड आ रहे हैं। 1 दिसंबर को महोबा में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सपा के 2 MLC व्यवस्थाओं
का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच आदि व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे अखिलेश यादव 1 दिसंबर को हेलीकॉप्टर से बांदा में उतरेंगे, उसके बाद अपने विजय रथ पर सवार होकर महोबा आएंगे, जहां उनके द्वारा पुलिस लाइन स्थित मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया जाना है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। तो अखिलेश यादव चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। खास बात यह है कि उसी जगह पे अखिलेश अपनी रैली करने वाले हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवा सकते हैं। अखिलेश यादव अपने 3 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड आ रहे हैं। 1 दिसंबर को महोबा में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सपा के 2 MLC ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश 1 दिसंबर को हेलीकॉप्टर से बांदा उतरेंगे, उसके बाद अपने विजय रथ पर सवार होकर महोबा आएंगे, जहां उनके द्वारा पुलिस लाइन स्थित मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया जाना है। साथ ही अखिलेश के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं अपने विजय रथ यात्रा को लेकर, अब वो महोबा भी पहुंचेंगे, क्या कहेंगे इस पे? अखिलेश यादव ने जो समाजवादी विजय यात्रा निकाली है, इसके पहले भी 2014 में 19 में भी वो इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं और उनका मानना है कि समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से वाला जिलों में जाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनसे संवाद भी करेंगे, जनता संवाद भी होगा और साथ ही साथ जो अभी कार्यकर्ता हैं उनके जो अभी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं उनमें उत्साह फूकने का काम भी समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव करते आ रहे हैं। ये इनकी यात्रा का 4th चरण होगा, जिसमें अखिलेश यादव कल यानी 1 दिसंबर को बांदा से महोबा जाएंगे। बांदा महोबा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़, अच्छी खासी सीटें वहाँ पर मिली थी, तो उस जगह से, उस क्षेत्र से अखिलेश यादव अपना 4th चरण शुरू करेंगे। बांदा से महोबा की उनका समाजवादी विजय रथ यात्रा जाएगा और वहाँ से जाने के बाद फिर वो लगभग 2 तारीख को ललितपुर पहुँचेंगे समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से, और ललितपुर में भी उनके द्वारा इस जनसभा को संबोधित किया जाएगा। माना जा रहा है ललितपुर से जो झांसी जो कि जो भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है जो कि मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से ललितपुर से वो लगभग 3 दिसंबर को समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से वो झांसी पहुंचेंगे, वहां पर भी उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे काफी जिले में के बांदा हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, और बीच में जो कई पड़ाव ऐसे रहेंगे जो अधिकतर क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र का कवर किया जाए इस चरण के माध्यम से, और चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी पकड़ मजबूत है, उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को अपना बेहतर करने के प्रयास के चलते अखिलेश यादव ने वहां पर एक यात्रा का व्यवस्था रखी है। गौरव, बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश रहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि इस सीट पर किसका दबदबा ज्यादा है, बीजेपी, अखिलेश, आखिर किसकी पकड़ अच्छी है? मैं आपको बता दूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र शुरू से ही, मैं अगर आपको बताना चलूँ कि शुरू से ही मिला जुला रहा था, पर इस समय जब से 2017 में योगी सरकार आई थी उसके बाद 19 में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें हासिल हुई थी, अगर 2014 के और लोकसभा और 2019 के भी लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ मजबूत है और अच्छी खासी सीटें वहाँ पर मिली थी। इसके चलते अखिलेश यादव बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और 3 दिवसीय दौरों में वहाँ की जनता से संवाद कर वहाँ पर अपना समर्थन जुटाते नजर आएंगे। आखिर क्या वजह है कि उसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश, जहां पे प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया था? निश्चित तौर पर बड़ा मैदान है और जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी हाल में ही देखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं जिलों की उन्हीं सीटों पर जाके सभा करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अब तक जीत नहीं मिली है या वहां पर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों का परचम लहराता रहा है, तो ये विशेष तैयारी भी होती है खासतौर पर उसी जगह पर सभा करने की, कि एक नई जो जनता वहाँ की आई थी, प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया था जो कि 19 नवंबर को कि किसी कान जो तीनों किसी कानून को वापस लिया जाएगा, जो कि कल पूरी तरह से विधिवत रूप से वापस कर लिए गए हैं, राज्यसभा लोकसभा में दोनों जगह वापसी हो गई है, केवल राष्ट्रपति की सहमति बाकी है, तो माना जा सकता है उसी ग्राउंड से, उसी जगह से वो अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और वहां जनता से समर्थन जुटाते नजर आएंगे। गौरव, जहां पे सपा रैली कर रही है वहीं पे बीजेपी भी रैली कर रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सभी एक ही जगह पे जुट रहे हैं, तो इससे जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातें कहेंगे तो जनता किस ओर जाएगी?
जनता का अपना रुझान अलग होता है, जनता लहर के हिसाब से जाती है, जनता कामों के हिसाब से जाती है। जी मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र वाइज काम होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कि पश्चिमी क्षेत्र में रैलियां की गई थी, पूर्वांचल में भी लगातार रैलियां की जा रही थी, कुशीनगर में और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया था, और अभी आपको बता दूँ कि पश्चिम में भी जो आपके सीतापुर और तमाम जगहों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भी किए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। जी अभी मुख्यमंत्री द्वारा लगातार अभी अयोध्या में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी किए गए थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री गए थे। कल कुशीनगर में भी लगभग 2503 जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो माना जाता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है, अलग पार्टी अलग अलग क्षेत्रों को चुनती है और अपना समर्थन जुटाती है, कभी पश्चिम चलता है कभी पूर्वांचल चलता है, और अब फिलहाल पार्टियों की नज़र बुंदेलखंड क्षेत्र पर है, जो अगर देखा जाए तो आबादी हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है पर अभी भी कई जन सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो उसकी तरफ विशेष नज़र है, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे, बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी थी। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन जो आपका डिफेंस कॉरिडोर की जो शुरुआत की जा रही है, कहा जा रहा है कि जहां से वो जल्दी ही डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो बेहतर इंडस्ट्रियल हब बनाने की तरफ बुंदेलखंड को बनाने को प्रयास किए जा रहे हैं, और अखिलेश यादव भी वहीं पर जाकर अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। गौरव, क्या अखिलेश उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिनमें पिछले चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा चुनाव है, 2022 का चुनाव है, और जाहिर तौर पर देखा जाए कि अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है तो बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगामी पार्टी के संगठन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह इस समय जगा हुआ है। उत्साह जगाने के साथ साथ जिस तरह की यात्रा चल रही है, संगठन की व्यवस्थाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ जनसभा जो अखिलेश संबोधित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जो व्यवस्था यहां पर की गई है, और साथ ही साथ उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गौरव, यूपी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी वर्सेस सपा रहेगा या अन्य दल के भी चांसेस हैं? देखिए, चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने अलग ही व्यवस्थाओं में लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा पार्टी अलग है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं कि उसके बाद भी लगातार संगठन की गतिविधियाँ चलती रहती है, लगातार संगठन का काम करता रहता है, जो उनकी जितनी भी विंग है वो सारी विंग लगातार काम करती है, जनता से संबोधित भी करती रहती है, समर्थन जुटाती है, और साथ ही साथ जनता से उनका संवाद जो है निरंतर चलता रहता है, वो चुनाव विशेष के समय नहीं होता है, मगर अन्य पार्टी को बात करें उनकी भी गतिविधियाँ चलती रहती है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी इन मामलों थोड़ा आगे है, क्योंकि उनकी जो विंग है वो बड़ी मजबूत है, और समय समय पे केंद्रीय जो आपका समिति है वो भी लगातार उनको सलाह मशवरा और निर्देशन देती रहती है समय पर क्या काम करना है। तो फिर अगर चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज है, तो जाहिर सी तौर से बात है कि वो बड़े बड़े प्रयास कर रही है, अभी सामाजिक सम्मेलन किए जा रहे थे, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किए जा रहे हैं, कि बूथ अध्यक्ष की बड़ी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, वही बूथ अध्यक्ष वही होता है जो 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 एक बूथ का मालिक होता है, बूथ का एक व्यवस्था उसकी होती है, बूथ में पोलिंग एजेंट के माध्यम से वही मतदाताओं को लाता है और अपने पार्टी के पक्ष में समर्थन कराने की व्यवस्था करता है, तो बहुत बड़ा रोल बूथ अध्यक्ष का होता है। तो सम्मेलन किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है, उनकी अलग यात्रा निकल रही है, सुभाषपा अगर बात करें, अन्य जो पार्टियां हैं सपा से गठबंधन हो चुका है, तो चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और फिलहाल देखा जा रहा है कि सपा और भाजपा ही चुनाव में मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीधे तौर पर जवाबी रैलियां चल रही हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन यहां पर रैलियों का दौर भी देखने को मिल रहा है, वो भी जवाबी, जहां जो एक अगर रैली करता है तो उसके जवाब में दूसरा भी रैली करता हुआ नजर आ रहा है, और ये बात का खुलासा इसी बात से होता है कि अखिलेश उसी मैदान में जनता को संबोधित करने वाले हैं जहां प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।